সো দের আই দুরুস্তাই ফাইনালি আগে গাইস আমার আইফোন 15 প্রো হে গাইস ওকম একটা দ্য ব্র্যান্ড নিউ ইনসাইড ভিডিও মানে দ আদাস দের আই দুরুস্তাই ফাইনালি আমার পাস আইফোন 15 প্রো আহি গায় এন্ড গাইস ট্রাস্ট মি ইস ফোন কো মুঝে বহুত হি কম প্রাইস পয়েন্ট পে মিলা হ্যায় তো আজ তো মে আপকো বাতাউঙ্গা একদম ডিটেল মে কি কিতনা কম মে মুঝে ইস সেল কে দৌরান কাইসে মিলা बाकी गाइस ये भी देखेंगे इतना कम में फ्लिपकार्ट सेंड कर रहा है इस फोन को, क्या ये फोन रिफर्बिश तो नहीं है, क्या इस फोन के अंदर कोई सा भी दाग खरोच डेंट ये सब तो नहीं है, कैमरा क्वालिटी कैसा है, ओके तो सब कुछ आपको टेस्ट करके बताऊंगा। मैंने इस फोन को मेरे एक फ्रेंड के लिए बाय किया है, उम्मीद है अच्छा ही निकले। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन यार आप लोगों के कहने पर मैं एकदम एक्सक्लूसिव ऐसे कॉन्टेंट लाता हूँ, तो लाइक नहीं करते हो यार बहुत बुरा लगता है, लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके गाइस तो जैसे कि आप देख सकते हो इस फोन का बॉक्स एंड यहाँ पर आईफोन लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो 128 GB का वेरिएंट है, सील पैक बॉक्स है। तो चलिए खोलते हैं एंड इस साइड में भी आप देख सकते हो आईफोन लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए खोलते हैं इस फोन को। गाइस तो जैसे कि आप देख सकते हो है हमारा फोन नेचुरल टाइटेनियम कलर में, तो अभी के लिए रखते हैं फोन को साइड में। उसके अलावा आप देख सकते हो बॉक्स कंटेंट में आपको यूएसबी टाइप सी टू टाइप सी केबल देखने को मिलता है। उसके अलावा देख सकते हो सिम इजेक्टर टूल, पेपर मैन वन, एप्पल स्टिकर वगैरह है इसके अंदर। बाकी अब ले आते हैं हमारे फोन को, देख सकते हो कितना शानदार लग रहा है फोन। तो चलिए इसको फर्स्ट टाइम बूट करते हैं, जब तक ये बूट हो रहा है तब तक मैं आपको इसको ओवर भी बता देता हूँ। तो फोन को सेटअप करते ही मैं तो गाइस टेस्ट करने चला गया कैमरा, बाकी फोन के अंदर मैं ये भी देख रहा था दाग डेंट खरोच है कि नहीं। मैंने देख लिया है फोन के अंदर कोई सा भी दाग डेंट खरोच ये सब तो कुछ नहीं है, नया का जो चमक है इस फोन के अंदर है। बाकी गाइस मैं कुछ कैमरा सैंपल भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, कितना शानदार क्वालिटी का आप कैमरा सैंपल देख सकते हो, कितने अच्छे क्वालिटी का फोटोज आप इस फोन से कैप्चर कर सकते हो। इनफैक्ट गाइस मैं वीडियो टेस्टिंग भी किया है एंड वीडियो क्वालिटी के बारे में क्या ही कहना गाइस, वन ऑफ द बेस्ट आप बोल सकते हो वीडियो के बारे में। तो ये गाइस सिनेमैटिक वीडियो एंड जस्ट आप क्वालिटी देखो गाइस, कितना शानदार बैकग्राउंड ब्लर लग रहा है, एकदम लग रहा है DSLR से लेवल का वीडियो क्वालिटी। आप गाइस फुटेज देखो, क्वालिटी देखो, 4K में रिकॉर्ड हुआ है एंड जस्ट कितना अच्छा लग रहा है, देख के लग रहा है एकदम पूरा DSLR लाइक फुटेज कैप्चर किया हुआ है, देख के लग रहा है एकदम कोई सा भी हाई एंड DSLR से मैं कैप्चर किया हूँ, कितना शानदार रिकॉर्ड कर पाता है जो आईफोन 15 प्रो है उसका जो सिनेमैटिक मोड है वो। करते इतना कम में मुझे कैसे मिला, तो इसलिए आप देख सकते हो गाइस फ्लिपकार्ट के सेल के दौरान तो 99,000 में सेल हो रहा था, तो आपको भी बताए ओके। उसके ऊपर 5,000 rupees का मुझे बैंक ऑफर मिला HDFC कार्ड में, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके ऊपर गाइस आप अगर एक VIP मेंबर हो तो फिर आपको 2,000 rupees और भी सस्ते में पड़ रहा था, 2,000 को भी मैंने माइनस कर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हो। लास्ट में गाइस मैं एक फोन के साथ एक्सचेंज किया हूँ एंड उसमें मुझे 16,950 rupees का मुझे डिस्काउंट मिला है, जैसे कि आप देख सकते हो। यूजुअली एक वीवो का फोन था, यूजुअली मैंने देखा है 10-12,000 rupees मिल रहा था, बट इस सेल के दौरान अब 20-22,000 का फोन था उसके हिसाब से 16,000 यानी कि 17,050 rupees कम 17,000 काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिस प्राइस पॉइंट में मैंने इसको सेल किया है। एंड देख सकते हो आप कि फ्लिपकार्ट बोल भी रहा है कि एक्सचेंज बोनस के तौर पर आपको 5,000 rupees मिलेंगे। अब देखो मैं अगर फोन का प्राइस छोड़ भी देता हूँ, अगर 10-12,000 rupees यहाँ से अगर कट भी कर देता हूँ तो फिर आप देख सकते हो यहाँ पर 87,000 हो रहा है, तो इतना कम में मुझे फोन मिला है, तो ह्यूज थम्स अप इतना अच्छा डील प्रोवाइड करने के लिए। बाकी जिन को नहीं मिला, दिवाली सेल भी आने वाला है उसके लिए जरूर से वेट कर जाना। बाकी गाइस मुझे लगता है डेफिनेटली आईफोन 15 आईफोन 16 बेस वेरिएंट के तुलना में आईफोन 15 प्रो काफी अच्छा एक ऑप्शन है, डेफिनेटली आप उसको प्रेफर कर सकते हो। बस गाइस सब कुछ ऑलमोस्ट आपको समझा दिया, मुझे उम्मीद है आपको आज का जो वीडियो पसंद आया। तो बस गाइस मेरे वीडियो में मेरा पूरा अंत तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।